आप सबको स्वागत है। आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ पिछले दिन के वरदान की भी, जो मिस हो चुका था। तो आज आप 22 जून के ईश्वर वरदान को भी सुनेंगे और शाम तक आप 23 जून के ईश्वर वरदान को भी सुनेंगे। परमात्मा कहते हैं कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाएं, एक अथॉरिटी बन जाएं, और वो भी मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। और सहज योगी जीवन जो है हमारा, ईजी योग जो हमारा होता है, परमात्मा से जो कनेक्शन होता है, उसमें हमें कोई दिक्कत ना आए। लेकिन वो अथॉरिटी बनना किसका है और किस चीज की अथॉरिटी होनी चाहिए हमारे पास में, आज हम वो एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर परमात्मा के अपने शब्दों में, अथॉरिटी के आसन पर स्थित रहे सहज योगी जीवन का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। जैसे स्पीकर की सीट सहज ही ले लेते हो, ऐसे अभी सर्व अनुभवों के अथॉरिटी का आसन लो। जितने भी जीवन में अनुभव हैं वो तो हमारे, चाहे नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे रिलेशनशिप्स में, वो तो हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं यहाँ पर गुणों का अनुभव, शक्तियों का अनुभव, ये सब कुछ इस्तेमाल करो। एक सेकेंड में कोई सिचुएशन आए तो उसमें कौन सा गुण, कौन सी शक्ति मेरे को इस्तेमाल करनी है, उसको याद करो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी, सदा के योगी और स्वतः योगी बन जाएंगे। ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी ना कि झुकाएगी। अब अथॉरिटी मतलब क्या हुआ, हमारे मन बुद्धि संस्कार जो हैं वो हमारे अनुसार चले। तो हम आत्मा कोर हैं और जो मन बुद्धि संस्कार है ये हमारे तीन मंत्री हैं। हम आत्मा जो भी संकल्प करते हैं या करने के लिए कहते हैं मन को, मन वो करता है उसके अनुसार। फिर बुद्धि उसके एक चित्र बनाती है और फिर ये हमारे संस्कार बन जाते हैं। जो हम चित्र देखते हैं उसके अनुसार ही हम एक्ट करना शुरू करते हैं। हम जो सोचते हैं वो कम, लेकिन हमारे जो चित्र हम जो बनाते हैं बुद्धि में, वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जो हम विजुलाइज करते हैं, तो आत्मा मन के अंदर संकल्प करती है और बुद्धि से निर्णय करती है कौन सा संकल्प करूं, कौन सा संकल्प ना करूं। आज आत्माओं का ऑटो पायलट पे चल रहा है सब कुछ, क्योंकि ना उनको मन के ऊपर कंट्रोल है, ना बुद्धि के ऊपर कंट्रोल है, और ना ही उनके संस्कार मतलब आदतों के ऊपर कंट्रोल है। इसका कारण क्या है, क्योंकि हमने अपने आप को देह समझा हुआ है। हमने सारा का सारा कंट्रोल अपनी देह को और देह की जितनी भी चीजें और संबंधों को दिया हुआ है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बार बार कि देह को भूलो और देह के संबंधों को भूलो, अपने आप को आत्मा समझो, तब जाकर के आप कमांड कर पाओगे अपने मन बुद्धि संस्कार को। नहीं तो क्या है, मोह लोभ अहंकार ही हमारी सारी ऊर्जा ले जाते हैं, शक्ति खत्म कर देते हैं, जिस कारण से हम अपने मन को अपने कमांड में नहीं ले पाते, मन इधर उधर भागना शुरू कर देता है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे स्पीकर की सीट पर सहज ही ले लेते हो, ऐसे सभी सर्व अनुभवों के अथॉरिटी का आसन लो। अथॉरिटी के आसन पर सदा स्थित रहो तो सहज योगी, है ना। मन बुद्धि संस्कार, बुद्धि तुम अभी क्यों अपने भाई को याद कर रही हो, बुद्धि तुम अपने यहाँ पर क्यों घर को याद कर रहे हो, बुद्धि तुम पैसे को जॉब को क्यों याद कर रहे हो, बाबा को याद करो। तो ये है, आत्मा अपनी बुद्धि से बात कर रही है। ऐसे हमें अपनी बुद्धि को समझाना है कि देखो बाबा को, देखो बाबा को विजुलाइज करो, बाबा से बातें करो। सदा के योगी, ईजी योगी बन जाएंगे, सहज योगी और सदा के योगी, मतलब चलते फिरते हम कभी भी परमात्मा को याद कर पाएंगे। योगी बन जाएंगे, स्वतः योगी बन जाएंगे, मतलब सदा के योगी बन जाएंगे। ये नहीं कि सिर्फ जब बैठे हैं और चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं तभी हम बाबा को याद कर रहे हैं। हम चलते फिरते खाते पीते जो भी है कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उस समय हमारी बुद्धि की आंखें ऊपर हों और ये जो फिजिकल आंखें और जो कान है वो यहाँ पर हों। तो ये बैलेंस में चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी ना कि झुकाएगी। माया मतलब हमारे अंदर की भी जो प्रॉब्लम्स है, काम करोड़ लोगों का, और औरों के अंदर जो हमारे आसपास भी तो लोग हैं ना, उनके अंदर भी तो काम करोड़ लोगों का है, उनको भी हमें फेस करना पड़ता है। कभी कोई क्रोध से आता है, कभी कोई अहंकार से आता है, कभी कोई लोभ से आता है। तो उनके काम क्रोध लोभ अहंकार को हम शीतल कैसे करें, ठंडा कैसे करें। उसके लिए ऐसे अथॉरिटी वालों के आगे माया झुकेगी ना कि झुकाएगी। जैसे हद की अथॉरिटी वाले विशेष व्यक्तियों के आगे सब झुकते हैं, मतलब कोई मिनिस्टर आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, कोई अगर आपके पुलिस ऑफिसर आ जाए, DIG, IASP, IPS आ जाए ऑफिसर, सब लोग क्या करते हैं, नमन करते हैं उनके सामने, उनकी पोजीशन के सामने नमन करते हैं, उनकी अथॉरिटी के सामने, है ना, क्योंकि जो ऑर्डर करेंगे वही होगा। ऐसे आप महान आत्माएं अनुभवों की अथॉरिटी में रहो तो सब आपे ही झुकेंगे। कौन से अनुभव, मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोल में रखने के अनुभव अपने, और माया के ऊपर कंट्रोल के अनुभव। ये तभी पॉसिबल है जब हम परमपिता परमात्मा की बातों को मानते हैं
और हम नष्ट मुआ होकर के स्मृति लब्धा मतलब परमात्मा की स्मृति में रहते हैं। ये सारा ज्ञान आपको परमपिता परमात्मा ब्रह्म कुमारी में सिखाते हैं और आप अपने मन के भटकने बुद्धि के भटकने को आप रोक सकते हैं इस ज्ञान से। ओम शांति इसके साथ।